hello everyone this is bishra khan welcome to sama podcast today when i'll disclose the name of my uh, favorite guest you would be really excited to know that yes he is today our guest he is uh, our former cricketer who internationally and nationally recognized and presented who was recognized as the pakistani cricketer when he played for 14 years his tenure was just for 14 years but yes his stardom is still going on and will be going on um, For for the rest, I would rather say, because when he was playing cricket, he uh, presented Pakistan, and we all actually still uh, keep him in our hearts because he is still a great cricketer. चलिए मैं बात करती हूँ खेल के मैदान की। तो जब वो क्रिकेट में खेलते थे, तो ऐसे जबरदस्त छक्के लगाते थे कि आज तक दुनिया याद रखती है। और जब वो मैदान में उतरते थे बैटिंग करने के लिए तो जो ओपनन टीम थी वो डर जाती थी कि यार अब तो इमरान नज़ीर आ रहा है सामने तो

इसकी क्या इसके पीछे क्या राज है फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच और uh, इसका मैं एक ही चीज़ है अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे और नो uh, डाउट no uh, मैं एक बड़ा एक थोड़े अर्से के लिए जितनी भी क्रिकेट खेला हूँ लेकिन थैंक्स गॉड अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में इतनी ही लिखी थी बस लाइफ uh, में कुछ अब uh, होते हैं पर ऐसे uh, जो आप uh, सोचता कुछ है और इंसान होता कुछ है तो एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल है कि मैं इतनी ही क्रिकेट खेलनी थी और मेरी किस्मत में इतनी ही लिखी थी लेकिन एंड ऑफ द डे एक चीज़ है कि थैंक्स गॉड के, के अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा सेहत दी और आ, मैं जितना सात आठ नौ साल जो इंजरी से मैंने सफ़र किया और आ, नौ अल्हम्दुलिल्लाह के जो अल्लाह ने मुझे दोबारा सेहत दी मेरे लिए यही इनाफा है और आ, बाकी सारी उम्र क्रिकेट भी नहीं खेलनी थी लेकिन थैंक्स गॉड जितनी भी खेली बड़ा मज़ा आया और ये जितने भी मेरे फ़ैन्स हैं और इनकी दुआओं की वजह से जो आज भी मुझे याद करते हैं मेरे लिए प्रे दुआ गुआ रहते हैं और मेरा ख़्याल है कि ये एक बड़ा लकी और एक किस्मत वाला इंसान कह सकते हैं कि जो आज भी लोग मुझसे इतना प्यार और मेरे लिए दुआ गुआ रहते हैं तो थैंक यू ऑल फैंस और जो भी मेरी किस्मत में लिखा था वो इंसान की होता ही है और मैं अगर आज बात करूं कि शायद मुझे और खेलनी चाहिए थी नहीं यार इनफ है मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना थोड़ा खा लो तो फिर सुथरा ही खा लो तो कहने का जी. मकसद है कि मेरी लाइफ में इतनी ही थी और अल्लाह ताला जो इज्जत दी है मेरे हाल में सारी जिंदगी में शुक्र अदा करता हूँ और करता रहूंगा इन आपने बिल्कुल ठीक तो बात की जैसे कहते हैं ना जो होता है बेदी के लिए होता है और दूसरी बात यह है कि जब बात करते हैं ना आपकी क्रिकेट एनी की तो मैंने वाज गोइंग थ्रू द हॉल रिसर्च ऑफ योर पर्सनलिटी एंड करेक्टर ऑब्वियसली तो आई जस्ट गॉट टू नो कि आपने फोटीन ईयर्स के लिए क्रिकेट खेली लेकिन जितने अर्से के लिए मेरी खेली आपने ना तो वो वर्थ इट थी <laughs> पूरी दुनिया को याद है याद रहेगी और तारीख में लिखी गई है जब आपके आ, साथ वाक्य तो नहीं ठीक है बाय स्ट्रोक ऑफ लक यू वर सफरिंग फ्राम अर्थराइटिस yeah. तो जब आपको पता चला कि चले ये एक इशू है डिजीज़ है या कोई हेल्थ का इशू आ गया तो आपकी उस वक्त किसने मदद की आपके जो क्रिकेटर फ्रेंड्स थे या कोलिग्स थे उन्होंने आपको किस तरह का रिस्पांस दिया उस वक्त क्योंकि तब तो आप क्रिकेट में थे तो क्या रिस्पांस मिला क्या फ़ीडबैक मिला उस वक़्त जब ये इंजरी स्टार्ट हुई है और उस वक़्त तो खैर वो बिल्कुल ही वो कहते हैं ना एक ऐसा है आपकी लाइफ में कि जो आपको नज़र आ रहा है कि बस कह सकते हैं कि यही लाइफ ख़त्म हो गई क्योंकि अगर मैं एज ए क्रिकेटर बात करूँ क्योंकि हमारा क्रिकेटर्स का है क्या कि बड़ी एक लंबी जर्नी होती है आप इस चीज़ में इस हेल्दी एक्टिविटी में कहीं कही ना कहीं आफ्टर एज भी आप कहते हैं फोर्टी फिफ्टी ईयस में भी आप कहीं कही ना कहीं मैच खेलते नज़र आते हैं जी। लेकिन वो जब चीज़ जब एक डिजीज़ डैग्नोज हुई कि अथ्राइटस ये एक बड़ी एक लें गंदी बीमारी है जो आपके जॉइंट को कैप्चर करती है और आपके जॉइंट में गैप आते हैं तो वो एक चले मैं इस पर इतना ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता आ, क्योंकि एक बुरा सपना मैं समझता हूँ मेरी लाइफ में आया और उसको मैं भूल गया हूँ क्योंकि नौ अल्लाह ताला ने जिस तरह मैंने पर बात की कि मेरे फ़ैन्स और जितने भी लोग हैं इन्होंने मेरे लिए बड़ी दुआ की और अल्लाह ने मुझे दोबारा बड़ा दी तो अलहमदल और बाकी अगर मैं क्रिकेटर्स की बात करूँ तो डेफ़िनेटली आपकी फ़ील्ड जब अलग अलग हो जाती है तो उसमें फिर हर आदमी अपने कहीं ना कहीं बिजी होता है मुझे किसी पे कोई गिला नहीं है और हाँ सारे पूछते रहते थे आ, तो उसमें मैं किसी को ब्लेम तो कौन सबसे क्लोज था आपके इस वक्त किससे ज्यादा पूछा आ, या कंसर्न शो किया नहीं खैर कहीं ना कहीं मिलते कहीं ना कहीं आते जाते मिलते कोई ना कोई पूछता रहता था और हाउ इज योर हेल्थ और नो no, यो कैसी है और अगर इस इंजरी में अगर देखा जाए तो डेफिनेटली आपकी फैमिली आ, वो बड़े आपके क्लोज होती है डेफिनेटली और उसमें आपकी वाइफ जो है वो बड़े एक जो कह सकते हैं एक आपका लाइफ पार्टनर जो है और मेरी वाइफ की अगर मैं बात करूं तो वो एक बड़ी एक स्ट्रॉग लेडी कह सकते हैं क्योंकि उसने मेरा कोई आठ से नौ साल दस साल जिस तरह मेरी लुक आफ्टर की और जिस तरह मुझे टेक अप किया केयर केयर मेरी तो वो एक बड़ा मेरे लिए जो है ना एक बड़ा लाइफ टाइम मेरे लिए जो है ना वो बड़ी एक गुड चीज़ है और मैं समझता हूँ कि आपका लाइफ पार्टनर अगर आपके साथ है तो वो कहते हैं ना कोई भी दुनिया की ताकत आपको गिरा नहीं सकती और जिसने भी ये किया आ, मैं बढ़िया मुझे आज भी याद है कि मैं पीक पे जब मेरी ये डिजीज़ थी और मैंने अल्लाह ताला से एक ही दुआ की कि जिसने भी मेरे साथ ये किया जब मुझे पता चला कि मेरी ये डिजीज इस तरह हुई है अच्छा ठीक है क्योंकि ये एक मरकरी पारा आप कह सकते हैं वो किसी चीज में जब मिक्स करते हैं तो बड़ा ये स्लो पोजिंग है ये All बड़ी right. देर के बाद जो है ना इंजेक्ट करता है और मैं उस वक्त भी ये कि अल्लाह ताला से दुआ की कि चले आ, जो भी मेरे साथ हुआ या जिसने भी किया अल्लाह उसका भी भला करे क्योंकि मैं मेरे दिल में ये नहीं मैं है कि आइडिया था ये शक था नहीं आप किस पे शक कर सकते हैं अगर मैं आज समाज की चाय पी रहा हूँ तो इसमें क्या है मिक्स है आई डोंट नो आप कहीं से भी कुछ भी पी सकते हैं खा सकते हैं और आप नहीं गेस कर सकते हैं तो जब एक चीज का कन्फर्म ही नहीं है तो मैं किसी पे क्यों ब्लेम अल्लाह भला कर उनका हाँ, भी हिदायत दे हाँ तो एंड ऑफ द डे अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ उस टाइम पे मेरे को जो आठ दस साल जो कह सकती हैं मेरी वाइफ ने मेरे लिए जो कर दी है मैं वो फल लाइफ अ, कभी नहीं भूलूंगा और आई सलूट दिस लेडी और मैं समझता हूँ हमेशा से ही मैं कहता हूँ आपका लाइफ पार्टनर Supportive. जब आपके सपोर्टिंग है तो मेरे ख्याल में फिर कोई भी दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती नहीं। ना गिरा सकती है तो दूसरी बात बीइंग ए मुस्लिम मेरा अल्लाह पे इतना बिलीव था कि मुझे डॉक्टर मोस्टली मैं किसी भी कंट्री में जाता था तो जब मैं टेस्ट करवाता था तो ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाता था तो डॉक्टर को बड़ा वो मायूस कन एक आंसर देते थे तो वो मैं बड़े स्माइली फेस से बाहर निकलता था और क्यों क्योंकि मैं यहाँ से स्ट्रॉगली बड़ा वो कहते ना फिट था और मेरा बड़ा बिलीव था कि दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो और इस चीज़ को मैं जब लेके चला हूं और एंड ऑफ द डे उस चीज से मैं निकल ही आया हूँ और डेफिनेटली मैं अगर बात करती हूँ शाहिद अफरीदी की वसीम अकरम की तो आपने उनके साथ खेला हुआ उनके बैच के साथ खेला हुआ उनके बैच में थे आप तो जब शाहिद अफरीदी की बात करते हैं, तो आपका उनके साथ कितना क्लोज रिलेशनशिप रहा है शाहिद भाई के साथ क्लोज रिलेशन तो जो है ही है वो तो सब दुनिया जानती है हमारी एक जोड़ी ओपनर की वो बड़ी फेमस थी और मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने मुझे इंजरी में जो मेरे लिए कर दिया है मेरे पास ही वो वर्ड नहीं है आपने किया? आ, नहीं जी एक्चुअली मेरी एक लास्ट ट्रीटमेंट थी और वो थोड़ी एक्सपेंसिव क्योंकि आठ साल गुजरने के बाद सात साल क्योंकि आपके पास जो भी एक्सपेंस थे जो मैंने अपनी लाइफ में कमाया वो सब अपने ऊपर लगाया एक ट्रीटमेंट लास्ट थी जो बड़ी एक्सपेंसिव थी और आ, जब मेरी शाहिद भाई से मुलाकात हुई और जस्ट सरसरी मैंने उन्होंने पूछा कि हुआ क्या ऐसी कौन सी डिजीज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है या जो आप क्या समझते हो तो मैंने सर एक ही वर्ड बोला कि इलाज तो हो रहा है लेकिन अब ये फिनेंशली थोड़ी हेल्प चाहिए तो आप कह सकते हैं कि शायद उन्होंने जब शायद खान अफरीदी फाउंडेशन से नेक्स्ट डे जो पेमेंट ट्रांसफ़र हुई है विद इन अ डेज़ मेरे ख्याल में चंद सेकंड भी नहीं लगे होंगे और उनके मैनेजर का कहना है कि इमरान नज़ीर के लिए जो हमारे पास अथॉरिटी आई है जो हमें गो एड मिला है वो अनलिमिटेड है आप जितनी भी पेमेंट इस डॉक्टर को चाहिए इसकी ट्रीटमेंट के लिए वो रुक नहीं पाए और उन्होंने वन टाइम पे जो मेरे लिए कर दिया है मैं आज भी उनको सलूट है उन्होंने स्पेशली है, शायद खान अफरीदी फाउंडेशन जो कि पूरे मुल्क में माशाल्लाह बहुत ही बड़ा आउट ऑफ द वे जाके काम करती है इवन के कोरोना के टाइम पर अगर मैं बात करूँ तो मैं ख़ुद उनको वॉश करता था ख़ुद भी करोना करवा लिया लेकिन वो हेल्प करना नहीं छोड़े तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों को हमेशा नवाजता है और आज इस मुल्क की बात करूँ तो मेरे ख़्याल में वो तो कम है ही है पूरी दुनिया में जिस तरह शाहिद खान अफरीदी फेमस है जो अल्लाह ने उनको इज्जत दी है वो इस तरह के नेक काम जिस तरह करते हैं और वो बड़े आउट ऑफ द वे जाके लोगों की जिस तरह हेल्प करते हैं तो चले मैं तो उनका एक बड़ा क्लोज उनका कोलीग था तो वो उन्होंने किया और मेरे से हट के भी जितने लोगों की वो करते हैं तो ये एक बड़ी बात है जी और मैं चाहता हूँ जिनकी भी फाउंडेशन है वो अपने से नीचे लोगों को देखें अगर आप लोग पैसा देते हैं तो वो उन तक लोगों तक पहुँचाए जिनका हक है जो मुस्तक है और जिनके लिए वाकई आपको खुशी क्योंकि तो आपका हो। आप उन लोगों के मिशन को लेके लोग आपको पैसा दे रहे हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल में उन तक पहुँचाना चाहिए और लोगों की हेल्प करनी क्योंकि हमारे मुल्क में आ, इस टाइप की बहुत कमी है देखे ना उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है आपने मिसाल कायम की और क्रेडिबिलिटी शो की है तो यस देखने वाले भी सुन कि हाँ क्रेडिबिलिटी है सही जाता है हेल्प होती बिल्कुर। है क्यों नहीं और हम इंसान इंसानों में ही इंसान है डेफिनेटली और मैं 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 तो हमेशा सब जगह उनका इसलिए जिक्र करता हूँ देखिए उन्होंने जो मेरे लिए किया वो तो मेरे लिए सर आंखों पे है और मैं समझता हूँ वो अल्लाह ताला तरफ दुआ दुआ ही उनके लिए रह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं ऐसे वर्ड भी नहीं है कि मैं उनकी तारीफ कर सकूँ या ऐसा कुछ बोल सकूँ क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है और महंगा जब ट्रीटमेंट होता है वहीं से इंसान रह जाता है जी तो मुझे ये बताएं कि आपने कभी शाहिद भाई को कहा कि यार जब आप छक्के मारते हैं <laughs> तो ये इट्स जैसे कहते हैं ना डू और डाई वाला कोई सीन होता है कि शाहिद भाई आप जब छक्के मारते तो प्लीज एक बार सोच लिया करें कि यार तो ये हमें ले जाएगा हम दोनों जब ओपन करते थे तो शाहिद भाई मुझे अक्सर कहते थे कि यार अब चार रन हो गए हैं तो अब नेक्स्ट बॉल जो कोशिश करेंगे सिंगल या डबल लेके या डॉट बॉल लें क्योंकि एवरेज मोस्टली होता उसका पाँच छः सात रन पर ओवर बड़ी बै, एवरेज होती थी तो मैंने कहा ओके okay. जब उनकी बारी आती है मैंने कहा शायद भाई अब चार लग गया छः लग गया तो अब कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट बॉल ऐसा तो वो हम एक दूसरे को कहते हैं लेकिन सुनते किसी की भी नहीं हम दोनों एक दूसरे की नहीं सुनते थे जो बॉल आपकी रेंज में आता था हम दोनों एक दूसरे को मारते थी थे हाँ रहते थे तो बोलर्स का अभी भी मुझे याद है कुछ बॉलर्स का कहना था कि अब भाई इससे बचना, बचना है या उससे बचना है उसको छोड़ दो तो, इसको पकड़ो इसको पकड़ेंगे तो वो जवाब नहीं छोड़ता तो वो एक देखे कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसा एक टर्न आता है जो एक बड़ी फेमस जोड़ी होती है बट किसी फील्ड में भी तो ये एक समझ लेके जब मैं 2000 में शायद भाई से ओपन करता था तो वो एक एक तो शायद भाई मेरे से सीनियर भी हैं मेरे से पहले खेले हैं और हम दोनों की जिस तरह हम फास्ट क्रिकेट खेलते थे तो वो एक हमें अच्छी पार्टनरशिप मिलती थी तो हमें टीम की तरफ से भी बड़ी सपोर्ट होती थी दुनिया फ़ैन फॉलोइंग तो देखें ना लोग चाहते थे कि थोड़ा इंटरटेनमेंट फास्ट क्रिकेट उस टाइम पे तो आजकल की तो क्रिकेट ही सारी एक जैसी ही है सारी इंटरटेनमेंट है और अच्छा लगता था और कहते जरूर थे एक दूसरे के लेकिन सुनते नहीं थे सही हो गया अच्छा जब मैं बात करती हूँ टू थाउजेंड में वर्ल्ड कप हुआ राइट या तो इंडिया ने जीता था तो चले वो 2011 तो मैं इसलिए कह रही ना क्योंकि आपके टेन में आता है अदरवाइज जब भी वर्ल्ड कप होता है और जब आपकी दफ़ा भी हुआ तो हमेशा ये एक परसेप्शन और एक वो है ना जैसे कहते हैं र्यूमर फैलता है कि पता नहीं ये मैच फिक्सिंग होती है पाकिस्तान में के है, तो हार के वापस आ जाता है तो जब उस वक्त आप लोग की पूरी टीम हार के वापस आई तो क्या जज्बात थे आप लोग देखिए मैं समझता हूँ क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स मैन हूँ और बाहर दुनिया क्या बात कर रही है वो लोगों का क्या कहना लोगों का तो काम ही कहना है बस बोलते रहना और देखें क्रिकेट में या वट कोई भी स्पोर्ट्स लेते हैं उसमें एक ने हारना है एक ने जीतना है आजकल बड़ा एक ट्रेंड है सोशल मीडिया खुद ही वकील खुद ही जज और खुद ही फैसला तो वो एक चीज़ मैं अपनी नज़र में मैं इन चीज़ों को कहीं कोई मायने नहीं देता लोग जो मर्जी लिख रहे हैं बोल रहे हैं उनका हक है वो जो उनको लग रहा है वो बोल सकते हैं लेकिन आपको क्या लगता है कि अंदर इनसाइट्स होते हैं देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता और देखें अब वन बॉल गेम है आप कभी भी नहीं ये कह सकते कि आज मैं हंड्रेड रन करके आ के यार मैं अभी हंड्रेड रन करके आया किस तरह भाई ऐसे नहीं होता आप पहली बॉल पर भी जाते आउट होते बहुत आउट क्लास फॉर्म लगी होती है और जाते पहली बॉल पे बंदा आउट हो जाता है बैट फॉर्म लगी होती है और आप आपके एक आधा कैच भी छूटता है रन आउट भी मिस होता है एंड एंड द डे जब आप हंड्रेड फिफ्टी करते हैं तो आपकी फॉर्म वापस आ जाती है तो ये एक लकी गेम है आप इसको मैं एज ए क्रिकेटर एज ए स्पोर्ट्समैन मैं इन चीज़ों से मैं कभी भी नहीं मानता तो मुझे ये बताएं कि जब इंडिया की अगर हम बात करते हैं जब ये पाकिस्तानी टीम इंडिया के साथ खेलती है तो क्यों ऐसा क्यों लगता है कि कंफ्यूज हो जाती है या प्रेशर हाँ, ज़्यादा ये है। ये, ये ये क्या मैं आप, ये, ये, ये देखिए दे, दे, होता क्या है कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और हमारी दोनों नेशन जो है वो एक बड़ी जज्बाती नेशन है और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडियन नेशन बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व होती है वो चाहती नहीं कि हम लोग हारें स्पेशली पाकिस्तान से पाकिस्तान की नेशन जितनी भी है वो चाहती नहीं है कि हम इंडिया से हारें लेकिन एंड ऑफ द डे एक ने हारना है और जो अच्छा खेल जाएगा देखें क्रिकेट डे की गेम है जब आपका दिन अच्छा है तो आप आउट भी कर रहे हैं आपके कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं आप छक्के भी मार रहे हैं सब कुछ हो रहा होता है दिन अच्छा होना चाहिए और इसमें यह नहीं है कि यार इसने ये मैच फिक्स कर दिया है कैसे हो सकता है यार आप मैं इन चीज़ों पे बिलीव रख दे ना मैं मानता हूँ ये वही जो मर्जी जो मर्जी लिख दे तो वो वो गलत चीज़ है मुझे हाँ, आप क्रिकेट को क्रिकेट ही समझ के देखें आप क्रिकेटर के जितने भी फैन फॉल्स हैं या जितनी भी फैंस होते हैं वो लोग वॉच करें ना आप क्रिकेट को देखें ना आप ये जरूर कह सकते कि यार ये अच्छा नहीं आज खेल इसने आज अच्छी बॉलिंग नहीं की तो ज़रूरी आप नेगेटिव कमेंट्स लिखेंगे उससे टीआरपी आपकी बढ़ेगी तो वो मैं उन चीज़ों को गलत गिनता हूँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्रिकेट में बड़ी एक मज़े की गेम है जब आप पहले क्या होता था लोग देखते थे मज़ा करते थे इसका एंजॉय करते थे और आज भी देख लें बहुत सारे स्टेडियम बड़े होते हैं टी आ गई दे मार छक्का चौका लग रहा है एंटरटेनड हो रहे हैं लोग तो एंजॉय करें ना आप हाँ ये जरूर कमेंट्स कर दे यार आज इसको अच्छा खेलना चाहिए था इसको अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए ये हमारी हारने की वजह है ना कि आप नेगेटिव कमेंट्स लिखे गलत ये ये चीज बैन ही मत ड्रेसिंग रूम का वाकई कुछ सुनाई जो

को जब आर्थराइटिस का आर्थ हुआ तो फिर आपने दोबारा क्रिकेट को ज्वाइन करना क्यों नहीं सोचा हाँ ये आ, कह सकते हैं कि थोड़ा इस पे मुझे जो है वो थोड़ा इस चीज़ पे है कि यार मुझे बैकअप मिलना चाहिए था आ, ना कि अगर मैं सात आठ साल के बाद जब वापस आता हूँ क्रिकेट में तो मुझे स्पेशली इग्नोर किया गया तो वो उस चीज़ का मुझे दुख है शायद मुझे इंजरी का उतना दुख नहीं है जितना ये चीज़ का क्योंकि मैं दो साल क्रिकेट में स्ट्रगल करता रहा हूँ और मैं अगर फिटनेस की बात करूँ या बात करूं तो मैं अपने क्रिकेट वाइज बात करूँ तो उसमें मैं ऑलमोस्ट अब थर्टी फोर थर्टी फाइव ईयर थर्टी सिक्स ईयर का तो मेरे ख्याल उस एज में भी मैं अगर इतना फिट हूँ मैं उस काबल खेल सकता हूँ तो मुझे डेफिनेटली थोड़ा इस चीज़ के अपने मुल्क के लिए बैकअप मिलना चाहिए तो आपने से देखिए यहाँ पे होता गया कि आप बात तब करें ना जब आपको उसका कुछ सोल्यूशन मिल जाए आपका खुद हक बनता है कि यार एक बंदा हमारा अपना और इतने लॉन्ग जर्नी और इतने और के चेयरमैन से बात की हो या आ, नहीं मैं क्योंकि मैं इन चीज़ों तक पहुँचा ही नहीं क्योंकि उससे पहले ही मुझे वो जो जिस तरह बिल्कुल ये खुडे लेने कर दिया गया तो फिर मैं नहीं समझता कि मैं जाके हर जगह जगह चैनल पे वाट एवर कहीं भी जाके एंड ऑफ द डे मैंने कहा ओके थैंक यू सो मच मेरी किस्मत भी, 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 बात नहीं की को मशवरा नहीं मशवरा बड़ों से किया है बड़ों से मैं भागता रहा हूँ लेकिन एंड ऑफ द डे मैं इसलिए गिला नहीं करता क्योंकि मैं उनमें से हूँ नहीं कि जो आके चैनल पर भी अपनी बक बक करेगा और रोए पिटेगा एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या मिलेगा नथिंग कुछ भी नहीं तो उससे बेहतर है कि आप टाइमली उस टाइम पे एक चीज़ डिसाइड की कि हाँ अब टाइम है डिसीजन का कि आपने फैमिली पिक करनी है या अपनी क्रिकेट तो उस वक़्त मेरी फैमिली मेरे लिए ज़्यादा इंपोर्टेंट थी क्योंकि जो मेरे जिस तरह मैं टाइम सर्वाइवल कर रहा हूँ या कर रहा था तो उसमें मुझे बेहतर यही लगा था कि मैं अपनी फैमिली को उनके लिए कुछ कर जूँ अब चलो, मैं अब ये समय तो मेरा अगर नहीं, नहीं अलहमदल तो अगर तो मुझे लेगे? आज भी आ, मैं इतना तो फिट हूँ मैक्सिमम दो चार महीने अगर खेलता हूँ तो इतना तो हूँ अच्छी नहीं बहुत अच्छी क्रिकेट तो खेल ही लूंगा मैं तो अगर आपको मिलता चांस तो बुझ नहीं है, इतना वो चांस नहीं है कि अब रा, राइड न फोर्टी टू ईय का और क्या मुझे पाकिस्तान के लिए कॉल आए या और किसी को बेस्ट लीग के लिए तो मैं खुद ही क्योंकि मैं खुद क्रिकेटर हूँ मैं इन चीज़ों को सारी अच्छे से समझता हूँ कि आपकी एज फैक्ट जो है वो बड़ा मैं रखती है तो बेहतर यही था कि मैं उसको जब मेरे बिजनेस को चूज़ किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैं उसमें खुश किसी पे ब्लेम वजह से देता ही नहीं हूँ कोई बात नहीं आपके जो जूनियर्स हैं आ, बाबर आजम शाहीन अफरीदी जब हम इनको देखते हैं तो अभी पी भी आगे आ रहे हैं टी भी आ रहा है मुझे ये बताया कि ज़ाहिर है अभी जब वर्ल्ड कप खेला तो बाबर आजम को बहुत बैकलैश भी हुआ और बहुत कुछ तनकीद का सामना करना उनके लिए कोई एडवाइस या आप आपने इनको मतलब सिखाया भी हुआ उनके साथ खेले भी हुई हैं तो हाउस एक्सपीरियंस अच्छा वेल से के? पहले तो आ, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो बाबर आज़म जैसे प्लेयर को आप क्रिटिसम करते हैं कि हाँ नो तो क्रिकेट आप मेरे ख्याल में पहले क्रिकेट को तो समझे एक बंदा न पाकिस्तान दुनिया का बेस्ट प्लेयर है और मैं समझता तो हूँ हमारे पाकिस्तान में ए, ए, एक ही प्लेयर है बाबर आजम जो टेक्निक वाइज अब क्रिकेटर प्लेयर मेरा पर्सनैलिटी जो हमारे में एक क्रिकेट वर्डिंग होता है कि यार चलते फिरते भी क्रिकेटर लगना चाहिए शक्ल सूरज तो भी तो वो बाबर आजम है और बाबर आजम दुनिया का नंबर वन प्लेयर है और उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि यार कम से कम क्रिकेट को तो समझो यार एक प्लेयर पे टीम थोड़ी होती है अब बाकी दस प्लेयर क्या करने आए वो भी तो कुछ करे वो अकेला प्लेयर करता है बाकी कुछ ना करेगा तो ऐसे टीम वर्क हम कहते हैं टीम वर्क कैसे होता है एक प्लेयर का टीम वर्क थोड़ी है आपने आप, आप, आप आपने अपनी जॉब है ओपनिंग किया है मिडल में क्या है और नीचे फिर आप देखें ऑलराउंडर में आ जाते हैं तो जब आप पूरी टीम ही कुछ नहीं कर रही आप बाबर हम को उठा के आप जितना मर्ज़ी ब्लेम करें अभी मैं भी देखता हूँ हर आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ हो भाई बाकी भी तो है ना बाकियों भी तो कुछ बोले ना बाकी क्यों नहीं कुछ करते वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है और आप उसके ऊपर टून करी जा रहे हैं हमारा यही तो प्रॉब्लम है कि हमारे ऊपर कोई बंदा कोई आ जाए कोई अगर एक ही प्लेयर है दुनिया का नंबर वन है यार अब मैं 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 उन लोगों से परेशान होता हूँ कोई अजीब सी फीलिंग आती है कि यार खुदा रहा यार जाने दे यार हमारा अपना बच्चा है यार वो हमारे मुल्क का यार पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है और आप लोग उसके ऊपर टून कर दे बाहर से दुनिया उसकी तारीफ करती है उसको प्लेयर मानती है हमारे यहाँ उसको क्या है कहीं ना कहीं उसको साइड खुडे लाने करके किसी और को लेकर अपने को कैप्टनसी कहते हैं उनसे कैप्टनसी नहीं मैनेज की गई

बड़ी सेंस तो है नहीं मैं चाहता हूँ कि अगर छः रन्स की एवरेज है दस रन की एवरेज है बारह की रन की तो कम से कम आप एक रन नीचे तो करें बारह किए तो ग्यारह रन तो करें कम से कम लास्ट दो तीन ओवरों में तो अगर बारह पंद्रह भी रन्स हों आजकल की क्रिकेट में बीस रन्स की एवरेज भी नहीं कुछ मैंने रखती तो आप एक ही को टारगेट करी जा रहे हैं करी जाएंगे है, एक पकड़ ले टारगेट करना है बस तो ये गलत चीज़ है अभी उसको बच्चे है यार इतनी वो क्रिकेट खेल गया है अब जाके उसको क्रिकेट की सेंस आ रही है सही है पहले तो बेचारा अपने लिए खेला है टीम के लिए खेला अपने लिए खेला अपना नाम बनाया मुल्क का नाम बनाया अब आपने कप्तानी उसको सौंप दी ठीक है अब थोड़ा टाइम तो दे ना पहले तो टीम भी तो स्ट्रॉग करे ना वो मेरा ख्याल है हमारी टीम में प्लेयर बॉलर बैट्समैन ऐसे चेंज होते हैं जैसे नीरिज शापर आंदेने तो वो गलत चीज़ है ऐसा नहीं होता ऐसे टीम में नहीं पहले क्या होता था पहले कभी सुने इतनी चेंजिंग अभी देते हो अभी भी सर्च मारे आप नेट में आप नाइनटी नाइन की टीम उठाएँ उसके बाद टू थाउजेंड थ्री फोर फाइव सिक्स तक आप स्लॉट चेक करें एक से दो एक से दो एक आधा प्लेयर सालों साल चेंज होता था क्यों क्योंकि प्लेयर को मौका मिलता था स्ट्रॉन्ग प्लेयर होते थे उनकी एवरेज अच्छी होती थी शाह शाह का बताएं नसीम शा आपको कैसा लगते हैं या देखिए अभी अभी क्रिकेटर है ओवरऑल हमारे अगर मैं पच्चीस तीस प्लेयर्स की बात करूं जो हमारी स्लॉट में चल रहे हैं पाकिस्तान टीम के तो मेरे ख्याल में एक से बढ़कर एक है हमें कहा फर्क आ रहा है हमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि हम लुक आफ्टर नहीं करते प्लेयर्स की हम हम प्लेयर्स को बनाते ही नहीं है उसकी वजह क्या है बनाए कौन जिसको खुद कुछ आता हो अब हमारे यहाँ पे थोड़े हाँ। तगड़े वर्ड तो जरूर है लेकिन कहने का मकसद क्रिकेटर हूँ मैं समझता तो हूँ क्रिकेटर को क्रिकेटर ही बना सकता है अब नसीम शाह अराउंड कितना साल का होगा बीस इक्कीस साल का बेचारा जो बच्चा है अब इस ऐसे एज में आप ऐसी ऐसी इंजरियाँ हों तो उसका कौन जिम्मेदार या तो आप खुद हो सकते हैं तो यहाँ फिर आप क्यों क्योंकि आपके साथ कोई लुक आफ्टर करने वाला ही नहीं है प्रोफेशनलिज्म दौर में आपके साथ कोई मैनेजर नहीं है अच्छा कोई ट्रेनर ऐसा नहीं है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको आप बाकी टीमों को देख लें वो तो कहीं अनफिट नहीं होते हमारे मेन इवेंट में आने से पहले अनफिट हो जाते हैं क्यों क्योंकि आपने हम लोगों ने सिस्टम वो बनाया ही नहीं हम सिस्टम बनाया है, कि जी एक ही तरह हमने सारा सिस्टम लेके टी ट्वेंटी का अलग है वनडे का अलग है टेस्ट का अलग है बोलने में आसान है लेकिन वही एक ही भेड़चा ही हम चलते जा रहे हैं तो उससे नुकसान होता है प्ले टैलेंट हमारे मुल्क में एक्स्ट्राऑर्डनरी है वो कहते हैं ना हीरे को पकड़ के तराश ना ही, हीरे की पहचान तो फिर जो जानता है ना जी तो जब आप किसी प्लेयर को बाबर को ले लें नसीम को ले लें वाट बहुत सारे शहीन को ले लें भाई इनके ऊपर ज़रा स्ट्रॉग हाथ रुकवाएँ ना किसी क्रिकेटर्स का बॉलर लगाएं तगड़े वसीम भाई लगाएं वकार भाई लगाएँ और बहुत सारे ऐसे बंदे हैं अब टू डब्ल्यूज़ दुनिया में मशहूर हैं हमारे पाकिस्तान टीम के कोचेज़ क्यों नहीं हैं भाई हमारे बेस्ट प्लेयर अगर मैं बताऊँ इंजमाम भाई हैं मोहम्मद यूसफ है यूनस खान है ये बेस्टिंग कोच क्यों, क्यों नहीं आते मैनेजर uh, हमारे देख ले uh, और बहुत सारे uh, हमारे जो बंदे हैं जो टीम के साथ होते हैं तो कहने का मतलब सिस्टम जब उधड़ा पुधड़ा हो तो फिर इस तरह टीमें नहीं बनती इस तरह फिर आप स्ट्रगल ही करते रहते हैं आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए मैनेजर नहीं मैनेजर नहीं मैं सब सबकी ही बात कर रहा हूँ मतलब कि आ, 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 आप एक टूवर पे कोई और होता है एक टूवर पे कोई और होता है तो कहने का मकसद है कि आप एक सिस्टम लेकर आए सिस्टमोर्स आप उन प्ले लेजेंड प्लेयर ये जितने भी मैंने नाम लें इनको लेके आए वसीम भाई को लेके आए विक्की भाई को लेके आए और बहुत सारे हमारे एजेंड हैं अब्दुलरक ले लें लेके आए जैसे शाहिद खान अफरीदी को लेके आए मोहम्मद यूसुफ को लेके आए जी भाई को लेके आए ये मोइन खान को लेके ले आए राशि लतीफ को लेके आए विकेट कीपिंग में लेके आए इनको बताए इनको कि भैया आपने बच्चों को ट्रेन करना है ये लोग करेंगे क्यों नहीं करेंगे मौका मिलता है कि आपने करना है ऑफकोर्स क्यों नहीं देखें अपने मुल्क के लिए आ, मैं अगर क्रिकेटर हूं मुझे मेरे आ, मैं अगर समझे कि मुझे कोई पावर हिटिंग या कोई फील्डिंग में कोई ऐसी जॉब मिलती है तो वाई नॉट अपने मुल्क के लिए कौन नहीं करेगा हम सब करना चाहते हैं किसी को ट्रेनिंग देना डेफिनेटली देखो आपने अपने मुल्क की टीम बनानी है जब हम टीम बनाने जाते हैं तो टीम में बनने में बहुत टाइम लगता है जब हम थोड़ी स्टेबल होते हैं थोड़ा स्टैंड लेते हैं तो उसमें चेंजिंग बहुत ज्यादा आ जाती है तो वो नहीं होना चाहिए हमारा आज भी एक से बढ़कर एक प्लेयर तो है हम कहाँ पे वीक हैं कहीं भी वीक नहीं है क्या हम यहाँ पे वीक हैं सिर्फ़ जब यहाँ से वीक नहीं होंगे हम यहाँ से स्ट्रोंग होंगे तो मेरा नहीं ख्याल देखे एक बॉल पे ब्रैडमैन भी आउट हुआ कौन नहीं सिफर पे आउट हुआ सारे होते हैं बैड फॉर्म किसकी नहीं आती सबकी आती है लेकिन बैड फॉर्म का ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ही खुडे लाने ही लगा दें प्लेयर को ऐसा नहीं होता अब बाबर की बात की है बाबर हमारा वो प्लेयर है जो मेरा ख्याल है कि अगले पिछले प्लेयर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है यार स्ट्रॉन्ग प्लेयर है उसकी परफॉर्मेंस देखें फिफ्टी प्लस उसकी एवरेज है हर काम में नंबर वन नंबर वन तो खैर अब ये इतना बड़ा ब्रांड इतना बड़ा बंदा होने के बावजूद हम जब प्रोफेशनल का जब टून करेंगे तो वो ग्राफली नीचे आएगा ये, ये नहीं, नहीं होना चाहिए बिल्कुल ठीक बात है आपने। वसीम अकरम के साथ आपने टाइम गुजारा है उनके साथ कोई मजे का वाक्य सुना दे आ, वसीम भाई आ, मैं ये जितनी मैं बातें कर हूँ ना ये हम लोग इनसे ही सीखी हैं ये हमारे सीनियर थे और ये जिस तरह जूनियर को कैरी करते थे अगर मैं वसीम भाई की आज बात करूँ वसीम भाई के अंडर खेला सख्लेन मुश्ताक मोहम्मद यूसफ खेला अब्दुल रजा कज़र मैं अफरीदी शुहम मलिक ला तदाद ये जितनी भी स्लॉट मैंने गाई ये आज भी देख ले इनकी क्रिकेट और इनके कैरियर और इनकी फैन फॉलोइंग देख ले ये किन प्लेयर्स के नीचे सीख के आए यार हम लोग उनसे वो जब ग्राउंड के अंदर होते थे तो पता होता था, था कि हमें भाई हम गलत करेंगे तो डांड पिटेगी तो हम लोग हंड्रेड परसेंट ट्रेनिंग करते थे हम लोग हंड्रेड परसेंट एफर्ट करते थे कि यार जीतने जीते थे हम लोग आज भी सीरियस उठा के देख लें कितनी सीरीस हम जीते हुए हैं अच्छा मुझे बताएं ड्रेसिंग रूम वाला वाक्य याद आया आपको कि नहीं

तो वो बॉल कहीं और जा रहा है तो मेरे पास ही खड़े होते थे तो अक्सर क्या करते थे बॉल आया तो मैं यूं तो मेरे सर में ना लग जाए तो वो बॉल कहीं और होता था, था तो इस तरह के अच्छा ये भी चीजें एक चीज मैंने इन सी चीजों से सीखी है ये भी एक्टिव रखने के लिए अच्छा मुझे सबसे पहले जब आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया तो वच कंट्री इट वाज कैसा था Uh, मैं नाइन्टी सेवन में फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था बांग्लादेश uh, मैं oh, nice. लीग खेलने गया था uh, हाँ जी वहाँ पे बांग्लादेश की लीग होती थी वो बहुत फेमस होती थी और बहुत सारे हमारे प्लेयर्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज वहाँ पे आते थे और मैंने नाइन्टी सेवन में मुझे भी याद है कि पुरानी बात है तो तब तो बहुत चेंज होगा बांग्लादेश मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा या 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 मुझे ये बताएं कि आपको खाने पकाने का शौक है कभी कुछ खुद से बनाया अपनी बेगम के लिए <laughs> मुझे जी बहुत शौक है और मैं अलहमदिल्लाते जी जी मैं बना लेता हूँ जब मूड में हो जब टाइम <laughs> मुझे ऐसे लग रहा है आपका टेस्ट ले लूँ आपको खाना आते बनाते <laughs> नहीं नहीं मैं मुझे बड़ा शौक है और मैं बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं खाना बनाता हूँ तो और दिल से और मज़े से क्योंकि ये एक बड़ा फन है क्योंकि क्रिकेटर्स मोस्टली खाना बनाते हैं क्योंकि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में दो दो तीन तीन चार चार महीने जब रहते थे तो वहाँ पे सब कुछ खुद ही करना पड़ता है क्रेविंग होती ना कुछ खाने की फिर वो आपको कहती है कि बस खुद से बनाना शुरू कर दो नहीं मेरी बेगम तो खुद ही बनाती है लेकिन जब मेरा मूड हो तो मैं भी बना लेता हूँ अक्सर मोस्टली बाहर जाते हैं तो बनाता हूँ और मैं खुद पर्सनली बड़ा शौक से बनाता हूँ ये चीज़ें आपकी बेगम जब नाराज़ हो तो उसको किस तरह बनाती हैं नाराज़ मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा कभी हो ऐसा कोई हुआ नहीं हु� कभी सीन के कभी वो बनाए या मैं बनाए

ए, पहली नजर यूं मिल गई बेगम पहली नजर में प्यार हुआ आपने इनको अप्रोच किया या प्रपोज किया ये कैसे वाक्या बताइए मुझे सारा अच्छा अब वाक्या बताऊँ वाक्या कोई इतना खास नहीं है बस हेलो हाय है शुरू हुई और हेलो हाय प्यार में बदल गई प्यार फिर बाद में शादी में शादी में बदल गया ठीक है अच्छा <laughs> मुझे ये बताएं जब हम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री या पाकिस्तानी ये जो लाइफ स्टाइल इंडस्ट्री है सारी फैशन इंडस्ट्री इसकी बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि अब जो आ, एक्टर्स या एक्ट्रेस आ रही हैं वो किस किस्म का काम कर रही हैं अच्छा है और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अच्छा सबसे पहले तो मज़ात के साथ आ, मुझे को टी वी का इतना शौक़ नहीं है शुरू से ही क्योंकि हम लोग क्रिकेट में इतना इन्वॉल्व रहे हैं कि इन चीज़ों का कभी इंटरेस्ट लिया नहीं लेकिन हाँ आज अगर देखा जाए तो अक्सर मैचेस वगैरह फ्रेंडली भी होते हैं और किसी भी इवेंट में मुलाकात होती है ये एक्टर्स वगैरह ये सारे जब होते हैं इवेंट वगैरह में तो उनसे तो हेलो हाय है, पहचान तो है सब जितने भी बॉयज़ हैं और कभी उनके काम में इतना गोवा नहीं हाँ ये ज़रूर होता है कि मेरे घर वाले भी ड्रामे देखते हैं मेरे यार दोस्त भी देखते हैं उनके ऊपर मैं ही बहस रहती है कि यार मैं अगर ड्रामे नहीं दे तो वो मुझसे पूछने होते हैं तो मैंने कहा यार भाई मैं मुझे कोई इतना फिल्म का या हाँ मैं शुरू में आ, कभी कभार एक फिल्म आई थी चूड़ियाँ और एक आदि पंजाबी को और थी शान थी आ, तो ये तो, दो तीन एक्टर जो है आपको पसंद है साइमा आ, शान नहीं आ, शान मोमराना सऊद रैम्बो तो ये अभी अगर मैं फ, ये बात करूँ फाहद मुस्तफ़ी ये हमायों सईद है हमायो फीमेल्स में आज के तो खैर इतना नहीं है पहले होता था इंडियन फेवरेट कोई हो आपका मेल या फीमेल या किसी के साथ अगर आपको मौका मिले फिल्म करने का सलमान नहीं करने नहीं, का नहीं, का नहीं, नहीं आ, मैं मैं बताया ना मुझे होती रही ऑफर ड्रामों की भी और फिल्मों के भी लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं मेरा कोई है ही नहीं ना कभी मॉडलिंग में ना हाँ फिल्म का मौका था सलमान खान का और कौन सी हो सकती है हाँ एक्टर अगर मैं बात करूँ तो मुझे इंडियन एक्टर जो है वो काजल उसकी यानी अगर आपको काजल और सलमान खान के साथ मौका मिले तो यू हाँ, हाँ, वो क्योंकि अगर मैं दोनों की बात करूँ तो सलमान खान बेस्ट एक्टर और जो आपकी पूरी जो लाइफ स्टोरी है करियर को लेकर मैंने सुना आप उस पर कोई बुक लिखना चाहते हैं या मूवी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले बुक लिखेंगे या मूवी बनाएंगे नहीं सबसे पहले मैं बुक लिखूंगा और क्योंकि अभी हर आदमी मेरी लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग है और शुरू से लेके अभी तक

तो वो वो आगे कोई जिस तरह पाकिस्तान में इंडिया में या इंडिया करेंगे नहीं नहीं पाकिस्तान में वो पाकिस्तान हमारी इंडस्ट्री अच्छी है तो उसको क्यों नहीं आप उठाया जाए नहीं, नहीं वो मुझे बिल्कुल ऑफर आती हैं अक्सर मोस्टली दुबई में हमारी मुलाकात होती रहती है और इवेंट जिस तरह चैरिटी मैचेस होते हैं उसमें बॉलीवुड एक्टर पाकिस्तानी होते हैं क्रिकेटर्स होते हैं तो वो गेट टुगेदर होता रहता है कोई ना कोई तो डेफिनेटली होते हैं और आजकल तो बड़ा आसान है किसी भी स्टोरी को सर्च करना तो आप अभी चैरिटी मैचेस करते रहते हैं जी जी डेफिनेटली देखो डेफिनली। अब कोई भी चैरिटी मैचेस है कोई ऑफर करा रहा है कि ये इस कॉस्ट के लिए कर रहे है। तो हैं तो डेफिनेटली हम एज ए स्टार करेक्टर जाना पड़ता है हमें क्योंकि और वो अगर बिल्कुल किसी अच्छी कॉल करते हैं आपको बिल्कुल कर आप अच्छा। रहे हैं तो उसमें हम जैसे बंदे नहीं जाएंगे तो वो फिर गलत बात है वो मैं उस चीज को बड़ा एक समझता हूँ की यार वो करना चाहिए हमें और जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए कोई बिजनेस या कोई टिप देना चाहते हो उन लोगों को जो बिजनेस कर रहे हैं स्टार्ट करना चाहते हैं यार एंड ऑफ दी डे मेरी हमेशा से एक ही टिप होती है और एक ही होती है यंगस्टर के लिए कि यार वाट एवर आप कोई भी अपनी लाइफ में करें नॉट बिजनेस बिजनेस में नेक नेकनी के साथ करें तो अल्लाह ताला की तरफ से हेल्प आती है लेकिन एक ज़रूर चीज़ है कि आप ज़िंदगी में हमेशा अपना एक एम रखें गोल रखें कि मैंने लाइफ में करना क्या है हमारे बहुत सारे ऐसे यंगस्टर हैं जो लेफ़्ट राइट ही वो कहते हैं ना छाला मारते दे रहते हैं लेकिन एक चीज़ आप पकड़ के चलेंगे तो डेफ़िनेटली कोई ना कोई अचीव करते हैं क्योंकि मेहनत का फल मिलता है मुझे नहीं पता था मैंने क्रिकेटर बनना है लेकिन एक चीज़ सिर्फ माइंड में फिकी कि मेहनत जब मेहनत करते करते हम इतनी डेफिनेटली hmm. तो जब आप मेहनत करते हैं तो मेरे हाल में लाइफ में कोई चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं है और मैं हमेशा से एक चीज़ जाते जाते जरूर अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें जो कि yeah. हम लोग बहुत पीछे चले गए इन चीज़ों से अपने माँ बाप बहन भाइयों और आपके जो पास कुलीग हैं और स्पेशली जो आपके नीचे वाले लोग हैं जब हम यूँ नीचे देखते हैं तो फिर पता चलता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं तो हमेशा अपने से नीचे वाले को ख्याल रखें जो हमारे बुजुर्ग हैं बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करें तो इन चीज़ों से आपकी लाइफ बहुत ऊपर जाती है क्यों ये मैं अपनी ज़िंदगी में आजमाया और मेरा ख्याल है कि दुआओं में बड़ा असर होता है तो जब आपकी दुआएं प्लस आपकी मेहनत हो तो लाइफ में कभी आप पीछे नहीं रह सकते बिल्कुल ठीक बात की आपने थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड विद यू स्पेशली जब क्रिकेट की हम बातें कर रहे थे <laughs> तो बहुत कुछ मैंने सीखा भी है और मुझे पता भी चला

बड़े अच्छे अच्छे व्यू हैं इनके अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं इनके एंकर इनके जितने भी गेस्ट होते हैं स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ या न्यूज़ की बात करूँ तो ओवरऑल इज़ द बेस्ट चैनल और uh, हमारे मुल्क के नंबर वन चैनलों में से है तो मेरी बेस्ट विशेज़ है और अच्छी uh, अच्छी खबरें देते रहें और छाए uh, जाए भाई थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड अंटिल वी कैच अप विद यू In the next episode, but do not forget to share, like, and subscribe our summer podcast. Wish I can leaving. Bye bye.